अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ के खूबसूरत से एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों ना व्यूअर्स, आज हम दिल की बात करें, क्योंकि अमूमन हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके बिगाड़ देते हैं। लेकिन बेसिकली हर इंसान अगर किसी चीज़ को पैम्पर करता है, या किसी ऑर्गन को, मैं कहूँगी कि दिल अपनी जगह एक ऑर्गन है, तो वो हम अपने दिल को बहुत हद तक बिगाड़ देते हैं। क्योंकि हम दिमाग अक्सर शिकायत करता है कि एक इंसान दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनता है। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर हमारा दिल खुश होता तो हम कहते हैं आज दिल बहुत खुश है, कभी हम कहते हैं आज दिल हमारा बहुत उदास है, कभी हम कहते हैं कि आज हमारे दिल को ये खाने को दिल चाह रहा है, कभी हम कहते हैं कि ये हम दिल नहीं चाह रहा कि कहीं जाएं, या मतलब जो भी हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो भी हमारी रीजंस ऑफ टेस्ट होते हैं, उसका पूरा जो डिसीजन मेकर होता है वो हमारा दिल होता है। क्यों ना आज हम दिल की बातें करें, और दिल की बात भी उस शख्सियत से होगी जो इस दिल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक दिल को किस तरह हमें खुश रखना है, इनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। एक दिल को किस तरह हमने हेल्दी रखना है, इनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे हीरे की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम अब्रॉड में, यूएस में रोशन किया। हमारी यूथ आज भी शिकायत करती है कि पाकिस्तान में रखा क्या है। आप यकीन करें, इस पाकिस्तान में हीरे हैं, उन हीरों को तलाश करना होता है और उन्हें तराशना होता है, और फिर दुनिया जब उसकी चमक देखती है तो फिर हम उन्हें एडमायर करते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर सफदर अली से। मेरी ये मेहमान एमडी हैं FACC, FACP, FASA, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फैकल्टी ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और सदर साहब को हम हार्टली इसलिए थैंक्स कहेंगे कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस वक्त ये पाकिस्तान में आए हैं और इन्होंने हमें टाइम दिया। इधर बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम उस जनरेशन को, उस यूथ को बताना चाहते हैं कि देखो, अगर ज़िंदगी बनानी है और ज़िंदगी में किसी मकसद को आगे लेकर चलना है, तो सफदर साहब से बेहतरीन मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये इस प्रोग्राम की गुफ्तगू से आपको अंदाजा लगेगा। आइए हम उन सब मिलके उन्हें वेलकम करते हैं, डॉक्टर सफदर अली को। चाय सिर्फ नेस्ले एवरीडे से बनती है। पत्ती को जोश दिया, एवरीडे पाउडर मिक्स किया, और खास मजेदार मिक्स चाय के 3 कप तैयार, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ओ जी, एक्सपर्ट की बात माने, ट्राई करके देख लें। छोटा पैक बड़ा मजा। नेस्ले 150 years, 7 Wonder City, 0800 437 23। नाउ गेट रेडी फॉर स्कूल विद मे न्यू चगेट्स एंड सेव ₹30 ऑन ईच पैक। थैंक यू वेरी मच फॉर जेनरस कमेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। माई प्लेजर सर, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग अस टाइम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ योर स्टे इन पाकिस्तान। बट यस सफदर साहब, इस वक्त जो मकसद लेकर पाकिस्तान आए हैं, लेटर ऑन आपको इस प्रोग्राम में पता चलेगा कि वो पाकिस्तान को दुनिया में कहाँ लेकर जाएगा। अच्छा सफदर साहब, क्यों ना पहले दिल की बात की जाए, क्योंकि आप दिल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये क्या वजह है कि इस दिल के अंदर कि सब कुछ हम खुद डिपेंड होते हैं अपने इस ऑर्गन पर? देखिए, दिल जो है वो रूह रवां है, और दिल ही है जो इस जिस्म को जिंदगी और बका देता है। और अगर दिल रुक जाए तो जिंदगी की घड़ियां जो है ना, वो वहीं पे थम जाती हैं और रुक जाती हैं। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि दिल के मामले बहुत नाजुक होते हैं, और इतने नाजुक होते हैं कि अगर ज़रा सी भी कोताही की जाए तो
जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। True. और इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल पे खसूसी तवज्जो दें और कोशिश करें कि दिल जो है वो बेहतरीन हालत में रहे, ताकि हमारा जिस्म और दिमाग और वो भी बेहतर तौर पे काम कर सके। लेकिन जब आपने अपने लिए मेडिकल लाइन चूज की, ठीक है, तो फिर आपने दिल को क्यों चुना? इंटरेस्टिंगली मैं जब फिफ्थ ग्रेड में था, फॉर सम रीजन आई डिसाइडेड कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँगा। And what was the reason? Can you disclose it? I don't know. उस वक्त I know कि पसंद आ गया था। नहीं, actually I know I was on fifth grade. मेरे वालिद उस वक्त कुछ दिनों के लिए बीमार हुए थे और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि शायद उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जो कि था नहीं अल्टीमेटली। बट एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि मैंने जो है ना कार्डियोलॉजी ही के शोबे में जाना है, हालांकि वो बहुत अर्ली स्टेज थी। बट दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड। आप ऐसे लगोगे कि आपके फादर को जो ऑर्गन प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो इट वाज आई थिंक इमोशनल डिसीजन, इमोशनल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ए चाइल्ड। मतलब आप एक बच्चे थे। देखिए, वही दिल की बात हो रही है ना, तो वो दिल का मामला था और जहाँ आपका दिल जो है वो उस पर इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो देन ये दिल के मामला बस दफा अच्छे खासे नॉर्मल हालात को भी बिगाड़ देता है इंसान की जिंदगी को। जी हाँ, वो है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि दिल को जो है ना वो इन लाइन रखना चाहिए, ताकि हालात जो है ना वो साजगार रहे। लेकिन आप अपने जिंदगी के जो डिसीजंस होते हैं वो अपने दिल से पूछते हैं या अपने दिमाग से पूछते हैं? ये बड़ा एक डिबेट है कि बेसिकली हम दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं। देखें, उसमें जो है ना वो ये है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको दिल से सोचना पड़ता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको जो है ना वो दिमाग से सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बेहतर है फॉरगेटिंग दैट फ्रेज, कि आप जो है ना दिमाग से सोचें, दिमाग से सोचें, लेकिन कभी कभी जो है ना आप उसको तन्हा भी छोड़ दें, फोकस ऑन जो दिल कह रहा है। सही। अच्छा, अक्सर मैं जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनसे मैं एक सवाल ज़रूर करती हूँ कि ये पूछती हूँ कि क्या आपको शायरी का शौक है? क्योंकि अक्सर शोरा जो होते हैं वो दिल 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 ही कर रहे होते हैं। हाँ, वही मैं जो उसकी बात कर रहा था कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो आपने बात की दिल की, लेकिन आपके दिमाग ने देखे शेर रिकॉल करवा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। इट्स अ गुड साइन। जी हाँ, तो ऐसा ही में दिल और दिमाग की दोस्ती रहनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप दोस्ती नहीं रखेंगे तो फिर मामला जो है ना वो बिगड़ जाएंगे। ये तो है। अच्छा सर, आपका बचपन, आपके स्टडीज जो इनिशियल था वो पाकिस्तान में ही हुआ? आपके मतलब आपका बचपन किस शहर में गुजरा, आपके फैमिली, आपके बैकग्राउंड? जी हाँ, मैं पेरेंट्स जो है इमिग्रेट होके क्वेटा में सेटल हुए थे। वी आर बॉर्न एंड रेज देयर, तो वहीं पे ही क्वेटा ही में इनिशियल स्कूलिंग हुई। So you belong to a Baloch family? No, I do not belong to Baloch family. जैसे मैंने कहा कि 47 में पेरेंट्स जो हैं इंडिया से इमिग्रेट होके क्वेटा में सेटल हुए थे, और फिर ये कि FSC मैंने वहीं से की थी क्वेटा से, और उसके बाद फिर आई वेंट टू निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। और And then you were, क्या कहते हैं, गोरो ने आपको बुला लिया? जी हाँ। And you went there for your higher education? जी हाँ, I went there for my higher education. और उसके लिए भी जो है ना, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था निश्चर मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर जो थे, he was American trained, और उनकी जो अप्रोच थी, that was an excellent approach. और उस अप्रोच की वजह से आई डिसाइडेड कि आई विल प्रोसीड फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाऊंगा। ये
देखिए ये एक फैक्ट है कि मैंने सुना है एंड वी शुड प्राउड ऑफ इट, बट यस कि फिर वो जो पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी आवाम होती है ना, वो आप जैसे हीरो से महरूम हो जाती है, क्योंकि मैंने अक्सर यही सुना है कि जब हमारे ओवरसीज स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जो वेस्टर्न जो भी बैचलर मैनेजमेंट वो देखते हैं कि इनमें पोटेंशियल भी हैं, ये बहुत आगे जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये हमारे पास रुक जाए। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बे इंतहा टैलेंट है, दुनिया के बेहतरीन अजहान जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और उस बात पे हम सबको और हमारी आवाम को फख्र होना चाहिए कि हम सब इतने स्मार्ट और जीनियस हैं। बस बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी की है कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वही जैसे आपने कहा था कि एक हीरा है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो सर कि इस तरह के हालात पैदा किए जाएं हमारे इन हीरो के लिए कि वो पाकिस्तान में रहकर भी सर्विसेज करें। इस वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक ऐसी टर्म और एक ऐसी असलाह पर बात करने वाले हैं जो सफदर साहब इस वक्त पाकिस्तान में उसका पूरा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, और वो है क्या, ये आप जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वो आपसे ये कहेंगे कि आपके दिल को जो है ना खुली फजा, अच्छे एनवायरनमेंट की सख्त जरूरत होती है, और देखिए सफदर साहब हम आपको बाहर ले आए एक अच्छी एनवायरनमेंट में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सफदर साहब, ब्रेक में जाने से पहले मेरा वो सवाल आपसे रह गया था कि ओपीडी चले ठीक है, ठीक है, फिर आपने डायग्नोस भी कर लिया, आपने पेशेंट को फुली जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसको गाइड कर दिए, बट इन केस वो यूएस अफोर्ड ना कर सके, उसके पास ना हो इतना पैसा, फिर वो क्या करेगा? आप रेफर करेंगे उनको सो एंड सो पाकिस्तान में जो मौजूद डॉक्टर्स होंगे या कार्डियोलॉजिस्ट होंगे? जी हाँ, उसके लिए ये है कि वो तमाम पेशेंट्स जिन्हें किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ये कि जो लोकल हमारे एक्सपर्ट हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनके साथ कांटेक्ट करके उन्हें रेफर किया जा सकता है प्रोसीजर्स के लिए या इंटरवेंशन के लिए इनिशियल स्टेजेस में। लेकिन अभी आपने स्टार इस्लामाबाद से लिया है, तो व्हाट अबाउट अदर मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान? देखिए उसमें ये कि मेरा प्लान है टू एक्सपेंड इनटू लाहौर एंड कराची एंड क्वेटा एज वेल, और लेकिन वर्चुअल क्लिनिक तो जो है ना इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जिसमें ये है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आप उस पोर्टल को उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली किसी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन जो है ना वो ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट दैट पेशेंट्स के इस प्रोग्राम के बाद मे बी बहुत सारे ऐसे कार्डियो पेशेंट्स आपको अप्रोच करें जिनके ऑलरेडी ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस और वट एवर सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, वो अपनी केस हिस्ट्री आपको डिफेंड करते हैं, मे बी समहाउ वो किसी न किसी प्रॉब्लम में हो, तो उनकी अब तक जो ट्रीटमेंट हो गई है आप उसको दोबारा से जीरो से डायग्नोस करने का प्रोसीजर रिकमेंड करेंगे, और आप उस पर उसी को बेस बना के आगे उसके ट्रीटमेंट रेफर करेंगे? देखिए उसमें ये है कि जो भी ट्रीटमेंट अब तक हो चुका है किसी भी पेशेंट का, जाहिर है उस तमाम ट्रीटमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू करने के बाद फिर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और पेशेंट के जो टेस्ट हैं उनकी रोशनी में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आया किसी मज़ीद इवेल्युएशन की ज़रूरत है या नहीं है, या जो ट्रीटमेंट उनका हो रहा है आया वो ट्रीटमेंट उस वक्त उस स्टेज में उनके लिए काफ़ी है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो एज अ कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स वी कैन रेकमेंड दोज चेंजेस के भाई ठीक है आप ये ट्रीटमेंट आपका है, लेकिन इसमें अगर ये चेंजेस कर दी जाएं तो फिर देखते हैं कि आपकी तबीयत में मज़ीद बेहतरी जो है वो आ सकती है, तो वो गुंजाइश है ना वो रहती है, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करना जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव मींस के पेशेंट्स जिन्होंने हजारों रुपए जो है ना ऑलरेडी लाखों रुपए जो है ना उन्होंने इलाज भी इतना महंगा हो गया जी हाँ खर्च किए हैं, फिर दोबारा नए सिरे से उन चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे एक्सपर्टीज आती है का,
आपके जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी माहिराना सलाहियतें जो हैं वो काम करती हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को सामने रख के फिर डिसाइड करें कि आया किसी मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप आगे बढ़ के उनको गाइड कर सकते हैं। एंड अगेन माय क्वेश्चन नाउ आपकी तरफ है आपको लेकर कि आपने एक डायग्नोस कर दिया, आपने उस पेशेंट को बता दिया कि सो एंड सो आपको ये प्रॉब्लम है और ये ट्रीटमेंट आपने उसको रेफर की, वो आपके पास नहीं आ सकता। ये अगर वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है और आपकी दीवी पूरी केस हिस्ट्री उसको दिखाता है तो क्या अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि मैंने डॉक्टर सफदर से बात करनी है पहले तो आप अवेलेबल होंगे? मतलब आप एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म उसमें कैपेबिलिटीज हैं कि सर्जन टू सर्जन भी फिजिशियन टू फिजिशियन दे कैन कम्युनिकेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अबाउट द केयर ऑफ अ पेशेंट। तो उसके लिए हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर है जो कहलाता है केयर कोऑर्डिनेशन पोर्टल, जिसमें यह है कि मुख्तलिफ फिजिशंस जो कि एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं, क्योंकि एक मरीज है उसको डायबिटीज है तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को देख रहा है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल स्ट्रेसेस जो है वो देख रहे हैं। तो केयर कोऑर्डिनेशन पोर्टल जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है उसमें तमाम डॉक्टर्स मिल के वो डिस्कस कर सकते हैं कि इस पेशेंट के साथ जो है ना ये चीज़ें हैं और उनको हम कलेक्टिवली किस तरह से अप्रोच करके पेशेंट को बेस्ट केयर पहुंचा सकते हैं। बट हियर सम सॉर्ट ऑफ ईगो प्रॉब्लम कि अगर कोई सीनियर है आपसे और आप उनको रेफर करें कि नो, वो उनका अपना एक डायग्नोस है, आपका अपना डायग्नोस है, और अगर बीच में वो आ जाए कि ये तो मुझसे बहुत छोटे हैं और मैं सीनियर हूँ एक्सपर्टीज वाइज, तो वो बड़ा मसला कर देता है। बाज़ दफ़ा ये जो इस टसल में जो है ना पेशेंट एंड फैमिली, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा कि पेशेंट अपनी जान उसकी जान चली जाती है सिर्फ इस टसल की वजह से। फैमिली कंफ्यूज होती है कि किसकी बात हम सुने। जी हाँ, उसके लिए जो है ना देखिए जो सेकंड ओपिनियन का जो ऑप्शन वर्चुअल क्लिनिक या ई क्लिनिक दे रहा है उसमें यही है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन एक फिजिशियन से आई है आप उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करें विदाउट एनी बायस। देखिए जहाँ गोल ये है कि आपने एक मरीज को बेहतरीन पॉसिबल केयर आपने देनी है तो उसमें फिर आप अपनी ईगो और उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए और छोड़ देना पड़ता है डॉक्टर्स को। लेकिन हमारे यहाँ मसीहा ही अगर बिजनेसमैन बन जाए और अपने प्रोफेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश करना चाहे तो वहाँ पे जो टूल होता है वो एक ह्यूमन बॉडी है। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन उसमें बात वहीं पर आ जाती है कि जो मेजॉरिटी मसीहा जो हैं फिजिशियंस जितने भी हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन दिस प्रोफेशन बिकॉज दे वांट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। मेजॉरिटी ऑफ देम, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये कि मेजॉरिटी ऑफ अस आर इन दिस फील्ड बिकॉज वी वांट टू take care of the patients, we want to take care of the sick people and we want to provide the best that we can based on our knowledge, expertise and experience. So aapke liye aapka jo profession hai wo aapka passion hai ya aap usko as a profession lete hain? देखिए मेरे लिए तो जो है ना इट्स मोर देन अ पैशन, क्योंकि जब फिर दिल की बात आ गई कि जब एक आप एक चीज को दिल की सुनी और दिल की लाइन जी हाँ बिल्कुल। तो आप जब तक पैशन से इफ यू आर नॉट पैशनेट एंड कंपैशनेट इन योर प्रोफेशन एग्जैक्टली यू कैन नॉट प्रोवाइड द बेस्ट केयर टू द पेशेंट। तो उसके लिए ये है कि आपको पैशनेट इट मींस कि आप 24/7 खड़े रहते होंगे ओपीडी में थिएटर में लेकिन फिर भी आप फ्रेश होंगे। जी हाँ, क्योंकि यही है कि अगर आप इफ यू लाइक व्हाट यू डू
then you would never work a single day. अच्छा आपकी लाइफ है ना जो मेडिकल से जो वाबस्ता फ्राउड है ना मेन डॉक्टर्स के लिए वो मिरेकल्स से भरी हुई होती है जो रियल मिरेकल्स है ना वो आप देखते हैं कि समटाइम्स आपके पेशेंट आपके हिसाब से मे बी उसके पास टाइम नहीं है मतलब वो खत्म है और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक हेल्दी जो बिल्कुल गुड साइंस दे रहा होता है सब कुछ सही हो रहा है सडन उसकी डेथ होती है तो ये आपने जिंदगी और मौत का ये जो खेल हम कहते हैं ना गेम रियल लाइफ गेम जी हाँ खास तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे जो है ना वो रिस्ट रेसलिंग होती है इजराइल के के साथ के समटाइम्स यू नो ही विन समटाइम्स वी विन लेकिन ये है कि कार्डियोलॉजी में ये है कि वो मरीज जो सेकंड्स में जान से हाथ धो सकता है आप उस मरीज को अगले 10 घंटे में अपने पांव पे खड़ा करके घर भिजवा देते हैं। सही। तो मतलब मैंने सुना है क्योंकि इन लोगों के पास मैंने अभी मुझे किसी ने सवाल किया था चलिए वो बात हम ब्रेक के बाद करें ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है क्विक ब्रेक लेनी है आपको मिलते हैं जी व्यूअर्स वेलकम बैक डॉक्टर सफदर हमारे साथ मौजूद हैं एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से ये अपने प्रोफेशन को पैशन लेकर आगे चल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है अगर हम पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए ब्रेक में जाने से पहले मेरे जहन में एक बात आई थी जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारी एक गैदरिंग में सर ये डिस्कस हुई थी तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा था कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ तुम लोग उसको जवाब दो तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि सबसे एक्सपेंसिव बेड कौन सा है इस दुनिया में तो वी वर्ड के टीक है तो शीशम की लकड़ी होगी तो गोल्ड प्लेटेड होगा तो उसने कहा तुम लोग सब गलत हो सबसे एक्सपेंसिव बेड होता है हॉस्पिटल बेड रीजन कि वहां पर एक जान बचाने के लिए पीपल स्पेंड लैक्स मिलियंस व्हाटएवर लेकिन वो जो हॉस्पिटल का बेड होता है ना वो इस दुनिया का सबसे महंगा तरीन बेड है और उस बेड पर आप लोगों ने मिरेकल्स देखे होंगे जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हम वैल्यू लगाएं वहाँ पे हम जान की बचाने की जो कीमत दे रहे होती है और इस बिस्तर पे जो लेटे हुए होते हैं जी हाँ तो वो तो है मतलब ये कि हेल्थ केयर इज क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल ओवर द वर्ल्ड और खासतौर पे हॉस्पिटल बेड इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड्स देयर द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ यू नो लेइंग देयर लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब लेकिन बात सर वही उस करप्शन पे मैं दोबारा इसलिए आऊंगी कि अगर जरूरत है तो आप रेफर करें ना सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान सिर्फ उसके अर्निंग टूल बना के आप उसको आईसीयू में और उसको बता रहे हैं उसके फैमिली को ये प्रॉब्लम है जबकि उसको नहीं है तो वो जो हम आपको नहीं लगता है कि हम इसको बिजनेस ना बनाएं इसमें इंसानी जान का सवाल होता है हाँ देखिए उसमें ये है कि जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि मेजॉरिटी डॉक्टरों की जो है दे कम इन टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स जो बीमार हैं उनके इलाज के लिए आते हैं और होप होती है हमारी होप होती जी, है जी बिल्कुल डॉक्टर तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पर जैसे अब आप मेंशन कर रहे हैं कि इस किस्म के अनएथिकल बिहेवियर्स देखने में आते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो फिजिशियंस की है आई थिंक सो के दे डू एंड दे शुड विद होल्ड द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स जिसमें मतलब ये कि वो उनका फोकस जो है वो सिर्फ एक ही हो कि उसने उस मरीज की जान बचानी है उस मरीज का इलाज करना है और उस मरीज के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो करें सही अच्छा आप यूएस में अपने सर्विसेज दे रहे थे माशाल्लाह आप पाकिस्तान में आप एक जबरदस्त नेटवर्क ई क्लिनिक और ई वर्चुअल क्लिनिक का पूरा नेटवर्क बनाने का आपका पूरा एक इरादा है और हमें आप इसको समझोगे कि आपका मिशन है तो यूएस पाकिस्तान लास्ट बट नॉट लीस्ट फैमिली
आप एक इंसान हो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो इस 24 आवर्स में इन तीनों को कैसे बैलेंस करते हैं या मैनेज करते हैं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई यूज्ड टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर माय गेस्ट. एंड या एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये कि उसका क्रेडिट जो है वो मेरी वाइफ को जाता है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपनी वाइफ से ये कहा था कि मेरे और पेशेंट के बीच में मैं किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा. सो इफ आई हैव टू अटेंड टू माय पेशेंट, दैट इज माय टॉप प्रायोरिटी. And alhamdulillah, I'm lucky that she has always supported me in doing that. Or and she always supported me. जहाँ पे भी patient का मामला आया, she would you know step back. सफदर आप जाएं और टेक केयर ऑफ द पेशेंट. इट मींस कि आपकी वाइफ ने बार दफा कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए होंगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, फैमिली इवेंट हो, बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें आपको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा या पेशेंट के पास जाना पड़ा तो वो चीज एक थोड़ी सी टाइम ड्यूरेशन उसका कम होगा, लेकिन वो एक मोमेंट डिस्टर्बिंग तो हो जाता होगा. जी होता है, बल्कि अक्सर ऐसे होता है कि घर में जो है ना आपने पार्टी, फैमिली गैदरिंग है, गेस्ट इन्वाइट किए हुए, तमाम गेस्ट आ गए हैं, एंड देन आई एम द लास्ट वन टू कम इन. जब आज ये कि पार्टी खत्म हो गई और आपने एंट्री. तो अक्सर होता है ऐसे, लेकिन ये कि द क्रेडिट गोज टू माय वाइफ दैट शी हैज सपोर्टेड मी ट्रेमेंडसली इन दिस एंडेवर. और बस दफा ये भी तो होता है ना, आप जैसे पर्सनालिटीज के साथ के बिसाइड्स वर्क एवरीथिंग, अब आपको अपना एक रिलैक्सिंग मोमेंट जाना चाहिए. आप कहीं होटल चले गए या वहां आपका कोई जान पहचान वाले मिल गया तो उन्होंने बजाय आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, सब कुछ करें, आप इस वक्त प्रोफेशन को भूलना चाहते हैं और वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ हो रही है, काइंडली मुझे बताएं मैं क्या करूं. उस वक्त आपका मूड अपसेट होता है कि नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. बाज़ औक़ात ये कि होता है, अगर मुख्तसर जवाब है उनके सवाल का तो आई विल डू दैट, और अगर इफ देयर इज समथिंग मोर इन्वॉल्व तो मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप आ जाए क्लिनिक में और फिर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन लेके आए ताकि उसको हम ज्यादा डिटेल में. जैसे आप पाकिस्तान में आए हो ना, तो आप आपके यहाँ पे जो फैमिली, जो दूसरे रिलेटिव्स होंगे वो आपसे मिलना चाहते होंगे, तो आप जाते होंगे कि मिलने की उससे, लेकिन आपने थोड़ी सलाम दुआ भी और इसके बाद गए सफदर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चे. वो तो बहुत कॉमन है, अमूमन ये होता है कि जानने वाले मूड कुछ और होगे, मैं जाऊंगा फैमिली इनवाइट, गपशप करेंगे, ये करेंगे, वो घूम फिर के वही टॉपिक. लेकिन देखिए फिर बात वहीं पे आ जाती है कि वंस यू हैव पैशन फॉर दिस प्रोफेशन तो फिर ये कि व्हेन इट इज बिटवीन द पेशेंट एंड यू देन पेशेंट इज द टॉप प्रायोरिटी. अच्छा, आप बाय नेचर मुझे बहुत पोलाइट लगे, पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन, तो आपको गुस्सा नहीं आता? आपका दिल कभी गुस्सा करने को नहीं कहता? बहुत कम. मुझे लग रहा है मैंने जितना आपको अभी जज किया है आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, और मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका दिल, आपके दिल को गुस्सा करने की आदत नहीं है. बहुत कम. तो ये आपने अपने दिल को कंट्रोल किया है या दिल आपको कंट्रोल कर रहा है? देख लें, अब ये कि हार्ट स्पेशलिस्ट होने का ये भी फायदा है कि आप अपने दिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और दिमाग को भी. ये ऐसा तो नहीं होता कि कभी कभी आपका दिल आपको प्रॉब्लम करे तो आप किसी और के दिल वाले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए और उनसे पूछे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो खैर होता है, आई मीन केस अगर ऐसी है सूरत हाल, यू वुड यू नो गो टू समबडी टू गेट देयर ओपिनियन. अच्छा सर, जैसे प्रोग्राम का एंड आते हैं, ऑन सीरियस नोट, आजकल हमारी जो अब जो जनरेशन है ना, करंट जनरेशन, होपफुली वो थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं. उससे पहले ये होता था पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान में रखा क्या है, कि आप यूएस से आए हो, आपने अपनी जिंदगी का एक अर्से यहाँ भी गुजारा, आपने अब्रॉड भी गुजारा, अब क्या लगता है हमारे अभी पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? Again, it's a very interesting question. देखें बात जो है ना वही कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरफेज है साथी. पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जो इंटेलेक्ट है, जो जहानत है, उसकी कमी नहीं है. बात सिर्फ ये कि अपॉर्चुनिटी की बात है. जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो दे गो
abroad and they shine and they outshine everything that is around them. और जो जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती वो अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ यहाँ पर जाया हो जाते हैं. ये जिम्मेदारी फिर किसकी है, स्टेट की? जी हाँ, एक ये कौमी अलमिया है जिसके लिए जाहिर है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं कि वो टैलेंट जो हमारे पास छुपा हुआ है उसको बाहर आने का मौका मिले ताकि वो दुनिया से अपना लोहा मनवा सकें. आपने इस वक्त जब आप यहाँ पर आए हो एक अर्सा गुजार के, क्योंकि आपने शुरू में जाहिर हाउस जॉब पाकिस्तान में भी की थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की माजी और हाल क्या है? आपने उस वक्त जो अपने दौर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देखा था और अब जो गवर्नमेंट, उसमें कोई फर्क आया है? जेन्युइन आंसर, फर्क आया है फॉर द वर्स्ट अनफॉर्चुनेटली. सैड ना जी हाँ, कि हमने आवाम को तो पता नहीं, कॉमन आम पाकिस्तानी इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये कि वी नीड टू डू अ लॉट एज अ नेशन के हम हर शोबे में, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, हर शोबे में वी नीड टू डू इट सिंसियरली. चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी है, हूएवर इट इज, वी ऑल नीड टू डू अ लॉट इन ऑल द एरियाज टू ब्रिंग आवरसेल्व्स हायर अप अमंग अदर कंट्रीज. और हमने जी हाँ बिल्कुल. थैंक यू सो मच सफदर साहब. इसी खूबसूरत, मैं इसको आपका मैसेज नोट ही लूंगी कि एक मोटिवेटेड नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप दोबारा आएंगे पाकिस्तान तो वी मीट अगेन इंशाल्लाह होपफुली. थैंक यू सो मच वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. व्यूअर्स, सफदर साहब का भी ये कहना है कि वी नीड टू डू अ लॉट. हम ये ना समझें कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम बहुत ऊपर चले गए हैं. पता नहीं हमारे माइंड सेट कहाँ से कहाँ चले जाते हैं. अपने मुल्क में तो हम किसी लॉस को या सिविक सेंस को फॉलो करना नहीं चाहते, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम उतने ही अच्छे वहाँ के सेकेंड सिटीजन बनते हैं और हर रूल्स फॉलो करते हैं. जरूरत इस बात की है पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के लिए करें. एनवायरमेंट हमने खुद ने ठीक करना है, माइंडसेट भी हमने खुद ने ठीक करना है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप लेने की जरूरत है. और थैंक यू सो मच सफदर साहब कि आप पाकिस्तान को लेकर जहां आपकी सर्विसेज बाहर है वहां आप पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ करना जा रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म. बिला तकल्लुफ की पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखना है. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.